रुक करते हैं प्रदेश की ओर। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पुलिस के द्वारा नशा निवारण और बच्चों की अफवाह से बचने के लिए श्री नैना देवी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा ने स्थानीय दुकानदारों, गाड़ी चालकों तथा नशा निवारण समिति के सदस्यों और स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्हें श्री नैना देवी में नशे के बेचने और अफवाह फैलाने वालों की खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई और अफवाहों पर ध्यान न देने के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में पुलिस के द्वारा नशा निवारण और बच्चों की अफवाह से बचने के लिए नैना देवी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा ने स्थानीय दुकानदारों, गाड़ी चालकों, नशा निवारण समिति के सदस्यों और स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें नैना देवी में नशे से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए जागरूक किया गया। इस बैठक में डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि आजकल नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और जिला बिलासपुर पुलिस ने पूरी तरह से इस पर शिकंजा कसा है। इस साल अभी तक 80 से ज्यादा मामले पुलिस ने नशे के खिलाफ दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों से अपील करते हैं कि वे स्वयं और अपने बच्चों को नशे से दूर रखने की सलाह दें, बच्चों पर ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चा चोरी की जो अफवाह है उन पर भी ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि जो भी अफवाहें फैल रही हैं ये मात्र एक अफवाह है और जो गुमारवी में या जगह से मामले सामने आए हैं वे सभी अफवाह निकली हैं। ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए उन्होंने जनता से अपील की है कि वे गाड़ी चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय ट्रैफिक नियमों की पालना करें और हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल चलाएं और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ये सब उनके सुरक्षा के लिए है और इसमें कभी भी कोताही ना बरतें। उन्होंने कहा कि बिलासपुर पुलिस हमेशा आपके साथ है। अगर कोई भी व्यक्ति नशे का कारोबार करता है उसके बारे में पुलिस को सूचित करें, पुलिस उस पर व्यापक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर नशे का कारोबार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कई मामले सामने आते हैं तो पुलिस उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस मौके पर थाना कोट प्रभारी कुलदीप ने भी स्थानीय लोगों से अपने विचार साझा किए और उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर चौकी प्रभारी नीलम शर्मा भी मौजूद रहे। पुलिस चौकी नैना देवी जी का मैंने विधिवत जो है वो इंस्पेक्शन किया है। इस दौरान आज जो है वो जो स्थानीय जनता है, हमारी नशा निवारण समिति के मेंबर हैं और कम्युनिटी पॉलिसिंग के जो हैं जो स्थानीय प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी मेरे को जो है इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। आजकल जो नशे का प्रचलन जो है वो हमारी सोसाइटी में जो बढ़ रहा है और युवा वर्ग जो है इसकी गिरफ्त में आ गया है, उसके संदर्भ में जो है वो मैंने आम जनता से सहयोग मांगा है ताकि ऐसे जो है असामाजिक तत्वों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ जो है पुलिस जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। वैसे जिला पुलिस जो है वो बिलासपुर नशे को रोकने के लिए तत्पर है। अभी तक हमने कोई 80 के करीब जो है मामले नशे के इस साल जो है वो पकड़ लिए हैं और आगे में भविष्य में भी हमारा यह अभियान जारी रहेगा जब तक जिला बिलासपुर से जो है वो नशे का पूरी तरह से खात्मा ना हो जाए। और दूसरा, आजकल कुछ अफवाहें जो है बच्चा उठाने वालों के विषय में चल रही हैं तो लोग इनसे सावधान रहें। एक दो मामले जो है वो घुमारवी मंडल के भी सामने आए थे लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो ये सारे मामले जो है वो झूठे पाए गए और मात्र जो है वो कोरी अफवाह थी। और दूसरे जो अभिभावक है उनसे हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों को जो है वो यातायात नियमों के बारे में अवगत करवाएं और ताकि कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। अपने नाबालिग बच्चे हैं उनको वाहन ना दें चलाने के लिए, क्योंकि नया जो मोटर व्हीकल एक्ट है जिसमें जो संशोधन हुआ है 1 सितंबर से अभी जो है वो पूरे देश भर में लागू हो रहा है, जिसमें जो है वो सजा का प्रावधान जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। तो इसके अलावा जो है वो माता की नगरी में यहाँ जो है वो किसी भी किस्म का अगर कोई अवैध कारोबार होता है तो उसके विषय में जो है वो पुलिस को तत्काल सूचित करें और सबसे यह आग्रह है कि जो है वो अपना पूरा सहयोग दें ताकि है एक नशा मुक्त जो है वो समाज की स्थापना में जो पुलिस आजकल तत्पर है उसमें जो है हम अग्रसर हों और यहाँ जो है वो वातावरण जो है वो बिल्कुल धार्मिक और अच्छे ढंग से जैसा है वैसा ही बना रहे।